मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम चल रहे हैं मिशन 120 प्लस मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक के लिए। हम मिशन 120 प्लस के साथ हमारे ये गणित के रूप में आठवां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने की संख्याओं के प्रकार पढ़े और संख्याओं के प्रकार से संबंधित अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे संख्याओं की विभाज्यता की जांच। क्या पढ़ेंगे हम? संख्याओं की विभाज्यता की जांच। देखिए हर टेस्ट में, पिछले टेस्ट में भी, इससे पहले टेस्ट में, और आपको हर टेस्ट में थोड़ा थोड़ा टेस्ट दिया जा रहा है, जैसे कि स्थानीय मान और जाति मान वाले टेस्ट में दिया था, तो आपको उस टेस्ट को रोक के और वहां पे जवाब लिखना है। यहाँ पर भी हम आज संख्याओं की विभाज्यता की जांच में आपको पहले आपको सारे नियम बताएंगे और उसके बाद लास्ट में हम आपको क्या देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे। तो लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन देंगे उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपको इस पे, इसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि इस संख्याओं की विभाज्यता की जांच में आपको कितनी चीजें समझ में है। तो चलते हैं, हम आज शुरू करते हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच, यानी हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता की जो जांच है वो किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो से, यानी किसी भी संख्या को अगर दो से विभाज्य करेंगे तो वो विभाज्यता में शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा, या दो से कोई भी संख्या पूर्णतः विभाज्य कब हो जाएगी, यानी दो से विभाज्यता की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए कोई भी एक संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक कितना हो, सम संख्या हो, या फिर 0, 2, 4, 6, 8, देखिए संख्या लिख लिए 3, 2, 5, 6, 7, क्या यह संख्या दो से विभाज्य होगी? तो क्या संख्या दो से विभाज्य होगी तो क्या करेंगे अपन, ऐसा करेंगे क्या, 2 × 2, 2 × 12, 2 × 4, 2 × 8, 16, 2 × 2, 16, 2 × 4, नहीं होगा, नहीं सर। इसके लिए हमें जो संख्या का जो अंतिम अंक है उस अंतिम अंक को देखना है, और वो अंतिम अंक अगर आपका सम संख्या हो या फिर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या पूर्णतः दो से विभाजित होगी, यानी संख्या का अंतिम अंक क्या करेंगे, संख्या का अंतिम अंक देखते हैं, क्या करते हैं, संख्या का अंतिम अंक देखते हैं। अब अंतिम अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर हम बोलते हैं सम हो, तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी, वह संख्या दो से विभाज्य होगी, अदरवाइज वह संख्या नहीं होगी। अगर संख्या आ गई 4, 7, 6, 9, 3, 2, 1, 4, 9, क्या है, दो से विभाज्य है, तो हम डायरेक्ट देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 9, विभाज्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पर, दूसरे में आप पढ़ेंगे 3 से। अब कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है, जैसे कि 6, 7, 3, 2, 1, 4, 5, ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 × 6, 2 × 6, 3, 12, उसके बाद फिर 12, उसके बाद भाग में लगे 3 × 4, 12, और नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे। देखिए अंक का योग कैसे, 6, 13। अब आप सोच रहे होंगे सर अंकों का योग करना, ध्यान रखिएगा हमने जब आपका पहला ही वीडियो पढ़ाया था उसके बाद दूसरा जो वीडियो था रणनीति के बाद का दूसरा वीडियो, जिसमें हमने 9 टैबलेट्स के बारे में सिखाया, और 9 टैबलेट्स के बारे में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आपका जोड़ घटाओ, अगर आप एमपीटेट की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रोजाना 9 टैबलेट को आधा घंटा पढ़िए, मेरी बात मानिए, नहीं तो आपकी मैथ्स में प्रोसेस आप समझ जाएंगे। ध्यान रखिएगा एग्जाम में नंबर उतने ही आएंगे जितने कि आज आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो 6, 13, 16, 18, 19, 23, 28, 28, अरे 28 तो क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है क्या, नहीं होती है, क्या 28 3 से विभाज्य होती है, नहीं होती है, इसका मतलब होता है ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी छोटा एग्जाम्पल ले लो, चलो आप 3, 2, 5, अब देखो क्या ये संख्या 3 से विभाज्य होती है, तो 5, 7, 10 मैं बोल दूंगा नहीं होगी, आप बोलोगे ऐसे कैसे, देख 3 × 3, उसके बाद क्या है, भाग लगाया आपने तो कितना हो गया, 3 × 8, 24, यानी 1 बच रहा है, इसका मतलब होता है 3 से विभाज्य नहीं। अगर यहाँ पे होता 4, देखो 4, 6, 9, 4, 6, 9, वो 3 से विभाज्य होगी, अरे आप कैसे कह सकते हो, 3 × 3, 3 × 8, 24 हो गया है, तो कुल मिला के ये क्या हो रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्या लिखेंगे अपन,
ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपने को एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल से हम अपना थ्योरी बनाएंगे, अगर इस प्रकार से किया तो ज्यादा बेटर है। क्या है? संख्या के अंकों का योग तीन से भाज्य तो संख्या तीन से भाज्य, यानी इसका मतलब क्या होगा, संख्या के अंकों का योग अगर तीन से भाज्य होगा तो संख्या भी क्या होगी, तीन से भाज्य होगी। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, फिर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 4, 7, 3, 2, 4, 9, 8, 7 और सॉरी इतना बड़ी बड़ी संख्या, कोई बात नहीं, जोड़िए इनको। देखिए जोड़ते हैं, 4, 11, 14, 16, 20, 29, 37, 44 साहब 44 है, 44 तो क्या होगा, तीन से नहीं जाता है, अगर 44 तीन से नहीं जाता है तो पूरी संख्या भी तीन से नहीं जाएगी। उसके बाद है रूल नंबर आपका तीन, और तीन का जो होगा वो नियम होगा चार से, किस प्रकार से आपको चार से क्या करना है, भाज्य करना है। तो चार से भाज्यता के लिए आप देखेंगे, यानी कोई भी संख्या चार से भाज्य हो रही कि नहीं हो रही, 6, 7, 3, 2, 9, 8, 7 साहब ये चार से भाज्य हो रही कि नहीं, चलो लगाते हैं भाग, 4 एकम 4 नहीं है ना, और ऐसा नहीं करना है साहब, अगर इस संख्या में अगर पूरी तरह से चार का भाग जा रहा है कि जा रहा है, और चार से भाग लगने के बाद शेषफल कितना बच रहा है वो भी देखने के लिए केवल अंतिम दो अंक डिसाइड कर सकते, यानी किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में चार का भाग लगाने पर अगर संख्या चार से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए तो इसका मतलब होता है वो पूरी संख्या चार से विभाज्य हो जाएगी। कुछ नहीं करना, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4 कितना बच रहा है, 3, इसका मतलब होता है चार से पूरी विभाज्य नहीं होगी। अगर यही 8 होता तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 इसका मतलब होता है ये पूरी संख्या, यानी किसी संख्या के अंतिम दो अंक ये निर्धारित कर देते हैं कि वह संख्या चार से विभाज्य होगी या नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर संख्याओं के अंकों का योग तीन से हुआ है, यानी संख्याओं का चार से तो क्या होगा, संख्या के अंतिम दो अंक, कौन से अंक, संख्या के अंतिम दो अंक चार से भाज्य तो संख्या चार से भाज्य, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक संख्या ले लें 6, 7, 3, 2, 5 यह संख्या चार से विभाज्य हो रही है क्या, देखिए डायरेक्ट 4×6 = 24 नहीं होगी सर, क्या ये हो रही है क्या, 4 नहीं हो रही है, ये हो रही है क्या, हाँ हो रही है, क्योंकि पूरे 12 में क्या फल लग गया भाग, 4×3 = 12। तो इस प्रकार से हम चार से भाज्य के लिए डायरेक्ट ही बता सकते, इनके ऊपर क्वेश्चंस कहते आते हैं, ये पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला रूल नंबर 4, किससे भाज्य करना है आपको, 5 से, किससे भाज्य करना है आपको, 5 से। अब 5 से भाज्यता का नियम क्या है, देखिए अगर आप तो एग्जाम्पल ले लो 3, 2, 4, 5, 6 क्या इसमें 5 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसमें भाग लग रहा है, लग रहा है, इसमें भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसमें भाग लग रहा है, लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या में अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5 तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी, बात खत्म। इसका मतलब आप यहां से संख्या का अंतिम अंक पांच से भाज्य नहीं, संख्या का अंतिम अंक आप तो ले लो ना 0 या 5 तो संख्या क्या होगी, तो क्या होगी संख्या 5 से भाज्य, भाज्य मतलब पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो किसी संख्या में 2, 3, 4, 5, 8, 5 तक आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं 6 से, रूल नंबर 5 और 6 से। अब किसी भी संख्या को 6 से देना है तो आप देखिए किसी भी संख्या को अगर 6 से भाग देना है
तो 6 के टुकड़े कितने होते हैं? 2 या 3। तो इसका मतलब होता है किसी भी संख्या को अगर 6 से भाग देना है तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। इसका मतलब होता है 2 और 3 के रूट को समझ लीजिए। 2 का क्या है? अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक सबसे पहले क्या है, 2, 4, 6, 8 अगर नहीं है तो वह संख्या तो जाएगी नहीं। जैसे कि 3, 2, 6, 7 क्या है, 6 से जा रही है, हम डायरेक्ट 2 से पूछेंगे, ओ नहीं जाएगी, 6 से जाएगी, 3 से पूछने की जरूरत ही नहीं। क्या है 2 से जाएगी, 6 से जाएगी, नहीं जाएगी। क्या है 4, हाँ जा सकती है, जा सकती है, क्योंकि 6 का जुदा 2 वाला सिद्धांत काम कर चुका है। यानी इकाई का अंक कितना आ चुका है, 0, 2, 4, 6, 8 में से एक, तो 2 से चलेगी। अब 2 से जाने के बाद 3 की भी रूल का चेक करना है, तो 3 को रूल को चेक करने के लिए इन सबको जोड़ो, क्या होगा, 3, 5, 11, 18, 23, 27। ओहो क्या बात है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी संख्याओं का योग जो है वो कितना है, 27। तो पूरी संख्या 27 में 3 का भी भाग लग गया, इकाई का अंक 4 थे तो 2 से भी भाग लग गया। इसका मतलब होता है ये संख्या पूरी तरह से किससे चली जाएगी, 6 से चली जाएगी। क्या आप समझ पाए, किसी भी संख्या को 6 से जाने के लिए क्या रूल है, वह 2 से जाए पहले, तो सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे, 2 से इकाई का अंक चेक करेंगे। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसके बाद हम किससे बात करेंगे, 3 के लिए। तो यानी यहां पे ज्यादा लिखने की बजाय केवल इतना सा लिख दे, जो संख्या 2 व 3 से भाज्य वह संख्या किससे, 6 से, वह संख्या 6 से भाज्य हो जाएगी। पर केले से पहले किससे चेक करना है, 2 से, और 2 से चेक करने के लिए 2 का रूल देख लीजिए, उस संख्या का इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। फिर उसके बाद बात करते 3 से, तो 3 से क्या करिए, उस संख्या के अंकों को पहले 3 का नियम मत लगाइएगा, सबसे पहले क्या लगाइएगा, 2 का, उसके बाद लगाइएगा 3 से। बहुत बढ़िया कुछ। अब अगला रूल लेते हैं हम 8। जनरली 7 वाला रूल थोड़ा डिफरेंट है इसलिए हम इसको निकाल देते हैं बाहर। अब लेते हैं 8 से के बाद क्या हो रहा है, देखिए 4 के बारे में क्या सोचा आपने, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य। तो यहां बहुत ही प्यारी चीज है, संख्या के देखो आप ले लो इसको 40, 96। अब ले लो क्या जा रहा है के भाग, 8 5 40 8 1 8 2 16, ओहो हो गया, कोई बात चला गया है। तो अब और भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 8 3 2 5, अब संख्या ले ये जाए कैसे पता चलेगा, ओहो ध्यान रखिएगा इस 128 में 8 का भाग लगाइए, इस 96 में 0 96 में 8 का भाग लगाइए, यहाँ पर 8 1 8 848, ओहो चला गया। इसका मतलब जैसा 4 था वैसा 8, पर 4 के लिए अंतिम 2 अंक डिसाइड कर रहे थे और 8 के लिए अंतिम 3 अंक डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या क्या हो, किससे अंतिम या फिर संख्या के अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या अगर कोई संख्या है उसके अंतिम 3 अंकों से जो बनी संख्या है, अगर वो यदि 8 से तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। यानी किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य होगी तो वह संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है रूल नंबर 7 के लिए 9 से, कुछ नहीं करना, जैसा 3 का वैसा 9 का। 3 में क्या था, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तो यहां पर क्या होगा, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य
तो संख्या किससे भाज्य? 9 से। संख्या 9 से भाज्य कुछ नहीं। अब संख्या देख लीजिए, देखो रूल 6, 7, 3, 2, 1। अभी संख्या 9 से भाज्य है कि नहीं? देखिए 6, 13, 18 क्या हो रहा है, 20, 21 और 6, 27। अब क्या है पूरी संख्या 9 से विभाज्य है, मतलब योग कितना हो रहा है 27, और 27 9 से विभाज्य है, 9 * 3 = 27, यानी पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। नहीं विश्वास हो तो आप भाग लगा के देख लीजिए, बिल्कुल 101% होगी। यानी 6, 13, 16, 18, 6, 13, 16, 18, 19 और 6, 25, 25 और एक और संख्या ले लो 2, तो कितना हो गया आपके पास 27। तो इस प्रकार से ये बनी संख्या 2, 8, 9, 11, 14, 21 और 6, 27। ये पूरी बनी संख्या किससे विभाजित हो रही है? 27, मतलब 27 जो इनके अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य हो रहा है, यानी इसका मतलब होता है वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। क्या समझ में आया आपको कि यदि संख्या के अंकों का योग, और अंकों का योग मतलब फटफट फटफट कर लीजिए, और वो अगर क्या किससे विभाजित हो, 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या पूरी तरह से 9 से। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आठवां, वो है 11 से। 11 से इसके लिए ध्यान रखिएगा, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं 1331, इसमें 3 और 1 कितना होता है 4, 1 और 3 कितना होता है 4, इसका मतलब होता है इन दोनों का अंतर कितना आ गया 0। तो यहां पर हम ये बता सकते हैं कि ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, ध्यान रखिएगा सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, का अंतर अगर कितना हो 0 हो, 11 हो, या 11 का गुणज, ध्यान रखिएगा अगर इन तीनों में से कोई हो तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगी। क्या समझ पाए आप चीजों को, वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए 712, 73, 62 एग्जाम्पल लीजिए 712, 73, 62 क्या है संख्या 11 से विभाज्य, तो अपन देखते हैं 7, 9, 12 और 2, 14 यहां पे 1, 8 और 6, 14। अब इन 14 में से 14 अगर कितना बचा 0 बचा, इसका मतलब होता है ये 101% 11 से विभाज्य है। नहीं विश्वास हो तो कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पे आप लोगों ने क्या सीखा, इतनी सारी चीजें सीखी, क्या सीखा, यदि किसी संख्या में 2 का भाग लगा है, 3 का भाग लगा है, 4 का भाग लगा है, 5 का भाग लगा है, 6 का भाग लगा है, 7, 8 का भाग लगा है, 9 का भाग लगा है और 11 का भाग लगा है, तो क्या कंडीशन बनेगी। 10 के लिए बहुत सारा सोच रहे हैं, 10 के लिए कुछ नहीं करना है, 10 में तो भाग तभी लग सकता है जब उसकी इकाई का कितना है 0, ठीक है, इसके लिए कोई लिखने की जरूरत तो नहीं है। 10 का क्या है, किसी संख्या की इकाई का अंक कितना हो 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आज हमने सीखा किस प्रकार से संख्या को 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, है ना, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, 9 से 11 से, ठीक है। तो यहां पर इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम यहां पे अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, चलिए। तो आपने अभी यहां पे किस प्रकार से किसी संख्या में 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 11 से, अब इनसे संबंधित जो एग्जाम में आते हैं एमपी, ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं उनका लेवल बिल्कुल आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो बिल्कुल आप पहले वीडियो को पॉज करिए, इन पांचों क्वेश्चन को आप देखिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आराम से इनके पांचों क्वेश्चंस का जवाब समय के साथ, ध्यान रखिएगा बिना समय के साथ नहीं, ऐसा नहीं कि घंटे में इनको पांचों क्वेश्चन को कर रहे हैं,
इनके लिए वही आपको केवल एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 40 से 45 सेकंड लेना है। तो अगर 40 से 45 सेकंड लेना है तो 200 सेकंड मतलब लगभग 3 मिनट के लगभग आपका समय है। 2.5 मिनट भी आप लेंगे तो 2.5 मिनट से लगाकर 3 मिनट तक का समय आपको पास इसके पास है और उसके बाद आप करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में अंत में इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी आप वीडियो रोक के और इसको हल करिए। चलिए मैं इसको हल करवाता हूँ। क्या संख्या 6, 7, 3, 2, 5, 4, 9, 3 से भाज्य है? तो देखो किसी भी संख्या को 3 से भाज्य के लिए ऐसा नहीं है कि 3 से काटना पड़ेगा। आप करिए इनके अंकों का योग डायरेक्ट 6, 13, 16, 18, 23, 27 और 9, 36 कितना हो रहा है 36। यानी क्या 36 3 से विभाज्य है? तो यह संख्या बिल्कुल उत्तर होगा हाँ। ध्यान रखिए कितना होगा हाँ, ठीक है। फिर से देखिए इसको, अगर आपको समझ में इन सबके अंकों को जोड़िए, इनको अंकों को जोड़ने पर अपने को योग मिला 36 और 36 क्या है 3 से विभाज्य, तो ये पूरी संख्या 3 से भाज्य है, ठीक। अगला संख्या 4 पूर्ण से पूर्णतया अगर भाज्य हो, यानी ये संख्या अगर 4 से पूर्णतया भाज्य हो तो क्वेश्चन मार्क का न्यूनतम मान क्या? ओ 4 से भाज्य के लिए कौन डिसाइड करता है? संख्या के अंतिम अंक, और संख्या का अंतिम अंक डिसाइड करता है कि वो मैं 4 से भाज्य हूं कि नहीं हूं। तो देखो यानी 5 के बाद क्या लिखूं कि इसका जो मान है वो 4 से भाज्य हो जाए? तो सबसे पहले उसने पूछा न्यूनतम मान, तो देखो 5 के बाद मैं लिख सकता हूं 50। अगर जैसे मैंने 50 लिखा तो 50 क्या है 4 से भाज्य नहीं होता, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 2 बचता है। उसके बाद मैं लिखूंगा 51, तो इसका मतलब तो 4 एकम 4, उसके बाद कितना बच रहा है 4 दुनिया 8, 3 बच रहा है। फिर मैं लिखूंगा 52, तो 4 एकम 4 और 4 3 12, ओहो भाज्य हो गया। इसका मतलब होता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह उत्तर कितना आएगा 2। न्यूनतम मान पूछा इसलिए क्योंकि इसके बाद आप यहां पे अगर 2 के बाद लिखोगे 56 तब भी आपका ये पूरी तरह से भाज्य हो जाएगा। इसका इसीलिए यहां पे पूछा क्वेश्चन मार्क का न्यूनतम मान, ऑप्शन में 2 भी होगा और 6 भी होगा तो आपको क्या लगाना है 2। क्या समझ पाए क्वेश्चन नंबर 2? बहुत बढ़िया। अब आते हैं आपके पास संख्या 9, 5, 6 क्वेश्चन मार्क 4, 2, 8 में अगर क्वेश्चन मार्क का अधिकतम मान यदि 6 से विभाज्य हो तो ध्यान रखिएगा, फिर रिकॉर्ड करिए 6 से विभाज्यता के नियम। सबसे पहले देखते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, ओहो 8 है, इसका मतलब 2 से तो भाज्य हो रहा है। केवल 3 से विभाज्यता के लिए रूल पढ़ना, तो 3 से विभाज्यता का रूल क्या होता है? अगर पूरी संख्या में 3 का भाग लग जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, तो बात ही खत्म। अब करते हैं अपन काम, 9, 14, 20, 24, 26 और 34, ये फिर जोड़ लीजिए 8। देखिए ध्यान रखिएगा हमने जो शुरू में सिखाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचेंगे जोड़ घटा तो कोई बात नहीं, उंगलियों पे गिन लेंगे, पर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ध्यान रखिए गलत होने की संभावना यहां पे भी है। 8, 10, 14, 20, 25 और 34, अगर यहां पे अंकों का योग कितना हो रहा है 34, और अधिकतम मान चाहिए 6 से विभाज्य के लिए, तो 3 से विभाज्य का अधिकतम मान चाहिए। आपको पता है अगर इसमें मैं 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाता है 36, जो कि 3 से भाज्य है। पर क्या 36 के बाद क्या अब इसमें मैं अगर जोड़ दूं 5 जोड़ दूं तो ये होगा 39, इसका मतलब क्या हुआ ये 39 भी 3 से भाज्य, ठीक है। अगर मैं इसमें जोड़ दूं 8 यानी 34 और 8, तो इसका मान हो जाएगा कितना 42, तो ये भी 3 से भाज्य। 8 के बाद तो फिर आ जाएगी 9 तो कर नहीं सकते, 10 नहीं, और उसके बाद 11, तो किसी क्वेश्चन मार्क की जगह 11 अपन लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क का अधिकतम मान यदि 6 से विभाज्य हो तो ध्यान रखिएगा अधिकतम मान क्या होगा, 2 भी इसका उत्तर है, 5 भी इसका उत्तर है और 8 भी इसका उत्तर है, पर अधिकतम मान कौन सा होगा 8। तो क्वेश्चन मार्क का अधिकतम मान कितना होगा 8। क्या आप समझ पाए? नहीं समझ पाए फिर देखिए इन सबके अंकों का योग कितना है 34। अब 34 में 3 का भाग तो नहीं लगता, पर 34 में कितना जोड़ने पर 3 का भाग लग सकता है 2 जोड़ने पर, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह 2 रखने पर 36 हो सकता है, पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह 5 रखने पर 39 भी तो 3 से विभाज्य है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 8 रखने पर 42 बनते तो भी मान। अब इसमें से अधिकतम मान पूछा है तो अधिकतम मान कितना होगा 8। क्या समझ पाए आप क्वेश्चन को? तो इसका उत्तर होगा क्वेश्चन मार्क का मान 8। आया मजा? चलिए अब हम चलते हैं हमारे
संख्या 9, 6, 5, 4, 8, 7, 6 में क्वेश्चन मार्क का न्यूनतम मान यदि 9 से विभाज्य हो, ध्यान रखिएगा कोई भी चीज, यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था उन्होंने, कहीं पर भी लगा दो, ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क में न्यूनतम मान यदि 9 से विभाज्य हो तो 9 से विभाज्यता का क्या नियम होता है सर, वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, लिखिए 9, 15, 20, 24 बताइए 32 और ये 38। अब 38 तो हो गया साहब, 38 हो गया। अब क्या करना है इसको, क्वेश्चन मार्क का वह न्यूनतम मान यदि 9 से विभाज्य हो। अब न्यूनतम मान का मतलब घटा तो सकते हैं, उसने बोला है न्यूनतम मतलब यहां पे क्या रख सकते हैं, 0 से लगाकर 9 तक के अंक रखने की आपको अनुमति है, इनमें से एक रखिए। तो क्या हो रहा है देखो, आप ध्यान सुनिए, अब यहां पे फिर से करिए 9, 15, 20, 24, 32 और 38, यानी इन सबके अंकों का योग कितना है 38। पर अगर यह अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो 38 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाज्य वाली संख्या बन जाए, तो आपको बताए 9, 5, 45, यानी 38 में कितना जोड़ा जाए 7। अगर 38 में 7 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 45, जो कि 9 से विभाज्य हो जाएगा। और उसके बाद तो आपको पता है जो भी आएगा 2 अंक से आएगा, इसका मतलब होता है इसका न्यूनतम मान भी यही कहे और अधिकतम मान भी कहे तो यही है, इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आना चाहिए 7। तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह कितना 7। क्या आप समझ पाए कैसा है, पहले अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ने के बाद की स्थिति देखिए, तो अंकों को जोड़ने के बाद 38 हो रहा है, पर वह 38 9 से विभाज्य तो नहीं है, तो 9 से विभाज्य के लिए क्या जोड़े इसमें, तो क्या जोड़ेंगे 7। 7 जोड़ने पर क्या हो रहा है कि 45 बन रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कितना होना चाहिए 7। क्या आपको यह सवाल समझ में आया, बड़ा आनंद आ जाएगा इन क्वेश्चन में, और एग्जाम में यही पैटर्न होता है। आपको जब हमने थ्योरी पढ़ाई तो आप लगता है क्वेश्चन किस प्रकार से आते होंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, संख्या में क्वेश्चन मार्क का न्यूनतम मान यदि 11 से विभाज्य हो, तो 11 से विभाज्य के लिए क्या नियम होता है, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर निकालो, उसके बाद की स्थिति देखते हैं। तो निकालते हैं, देखिए ये हो गया 5, 11, 20, 28 और 1, 29, और उसके बाद विषम स्थानों का सम स्थानों का तो 2, 5, 6। अब 29 में से 6, 29 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 29 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 23, और 23 से क्या यह संख्या 11 से विभाज्य होगी, बिल्कुल नहीं होगी। पर हां आपने ये बताया था कि यदि इनका अंतर या तो 0 हो जाए, यानी इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 0, तो 29 में से आपको पता है अधिकतम हम 9 रख सकते हैं, तो केवल 0 तो हो नहीं सकती, पर उसने बोला है 11 होना चाहिए, तो 29 में से क्या घटाए कि 11 हो जाए, तो आपको पता है 6 तो ऑलरेडी है और कितना और घटाना पड़ेगा, तो ज्यादा घटाना पड़ेगा, तो यहां पर भी हो सकता, पर 11 का गुणज क्या थी संख्या, ध्यान रखिएगा यदि इनके अंतर जो होना चाहिए वो या तो 0, 11 या 11 का गुणज, तो इस 6 की जगह अगर थोड़ी सी देर के लिए अगर 7 होता तो हमारा अंतर होता 22। यानी इसका मतलब होता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम रख दे 1, तो ध्यान रखिएगा इस 29 माइनस 7 बराबर हो गया 22, और 22 क्या है 11 का गुणज, अगर ये 11 का गुणज है तो इसका मतलब होता है ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य है। क्या आपको मजा आया सवाल, तो इस प्रकार से हमने आज किसी भी संख्या में विभाज्यता की जांच के लिए नहीं, और इस प्रकार से हमारी संख्याओं की आधारभूत अवधारणा वाली जो है, देखिए ध्यान से हम यहाँ पे चीज पे बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से चल रहे हैं। आप सारे वीडियो को पूरी तरह से देखिए, अगर आपको एमपीटेट की तैयारी करना है तो हमारे वीडियो के सरफेस मत देखिए, एक एक चीज इसमें बोली गई है, एक एक शब्द आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा हमारे जो पहले वीडियो जो रणनीति 120 प्लस थी, उसके बाद का ये 8वां वीडियो है, और आपको यहाँ पर हमने संख्याओं के, यानी हमारा जो सबसे पहला चैप्टर था 0, उसमें क्या था 6 चीजें थी। सबसे पहले था न्याय टेबलेट्स जो कि हम पढ़ा चुके हैं, संख्याओं के आधारभूत अवधारणा है जो कि 4 वीडियो में जाके हमने पूरा किया है, उसके बाद इकाई का अंक निकालना, ये तो इस प्रकार से हमने 7 वीडियो, रणनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो 7 वीडियो में हमने लगभग 3 चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब हमारा अगला चैप्टर रहेगा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना,
एलसीएम, एचसीएल और भिन्न या दशमलव भिन्न। इस प्रकार से हमारे पास तीन चैप्टर पड़े हैं, लगभग उनको हम तीन क्लासों में मिलकर पढ़ लेंगे। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, सबसे इंपॉर्टेंट कैसा लगा, तो लाइक करिए, और आपको अगर उसमें कोई कमी दिखती है तो ध्यान रखिएगा उस कमेंट में लिखिए, और कमेंट में आपको इन पांचों क्वेश्चन के उत्तर भी बिल्कुल 101% लिखना है, जिससे मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसमें आपको कोई कमी दिखे तो आप बताइए। आपके दोस्तों को इसको शेयर भी करिए। मिशन 120 प्लस में यूथ एकेडमी के साथ आप सब शामिल हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सो मच।